हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई है लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ये सीरीज़ देखिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखिए। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे सवाल पूछे, हम वीडियो के ज़रिए से आपके सवालों का जवाब देंगे और अच्छे से आपको ट्रेन करेंगे। बात करते हैं इस वीडियो में, मैं आपको बताने जा रहा हूं EBRC के बारे में। क्या होता है EBRC? सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। अब ये EBRC क्या होता है, आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर क्या हो, ये किसी तरीके का कोई लाइसेंस है क्या, ये किसी तरीके का कोई बैंक का अकाउंट है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे पैसा विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, एक बैंक स्टेटमेंट आती है ना, एक बैंक स्टेटमेंट मिलती है ना चेक करने के लिए। ऐसे ही RBI EBRC हमसे डिमांड करता है। क्यों भाई? RBI ये कहता है कि आपने जो एक्सपोर्ट किया, ये खास तौर से एक्सपोर्टर जरूर देखें, आपने जो एक्सपोर्ट किया तो क्या उसकी पेमेंट आई है? अब आप कहोगे सर RBI को क्या लेना देना कि उसकी पेमेंट आई है या नहीं आई। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फेमा का, तो वो ज़रूर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों कहती है RBI क्या पेमेंट आई है। क्या होता है, कई बार लोग मिसयूज़ करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी का, जो कि बहुत गलत है। अब ऐसा भी होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी का मिसयूज़ करके लोगों ने गवर्नमेंट से गलत तरीके से इंसेंटिव लिए। अब सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, और सबसे बड़ी बात एडवांटेज ये हो गया है, सारा प्लेटफॉर्म जो है इंटरनेशनल ट्रेड का वो डिजिटल हो गया है, वो ऑनलाइन हो गया है, तो यानी गलत काम करने के तो रास्ते ही बंद हो गए। अब RBI क्या कहता है, देखो जी, आप एक्सपोर्ट करते हो, सरकार आपको इंसेंटिव देती है, लेकिन वो जायज इंसेंटिव है या नाजायज है, आप गलत तो नहीं कर रहे, तो सरकार को ये पता लग जाता है आपकी EBRC से कि अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया उसके अगेंस्ट में ये पेमेंट आई है, और इस एक्सपोर्ट के अंतर्गत, इस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आप ये इंसेंटिव क्लेम कर रहे हो, तो एक सरकार को एक तरीके से ये सेटिस्फैक्शन भी हो जाती है कि हाँ आपने एक्सपोर्ट किया, और आपको भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि भाई मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, एज पर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर मैंने काम किया जो सरकार ने कहा, और इंसेंटिव का मैं दावेदार हूँ, तो आपको इंसेंटिव भी मिल जाएगा। अब इसमें आपकी बैंक भी हेल्प करते हैं, आप इसको DGFT से भी निकलवा सकते हो, सारा ट्रांजैक्शन रहता है सरकार के पास, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार लोगों के सवाल आते हैं, सर इंसेंटिव मिलेगा क्या, सरकार इंसेंटिव देती है, लेट कर देगी, देगी नहीं तो हम क्या कर लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, इट्स ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। आपके कागज़ पक्के हैं तो सब पक्का है, आपके कागज़ पक्के नहीं हैं तो कुछ पक्का नहीं है, सब कच्चा है और सब तो सपने हैं। तो ये है EBRC। तो ध्यान रखिए, हम भी जब एक्सपोर्ट करते हैं, क्या होता है कई बार, क्या होता है, हमने एक सैंपल $200 का एक्सपोर्ट किया, सैंपल की पेमेंट भी हम लेते हैं, हम फ्री में किसी को कुछ नहीं देते। मैं आपको पहले बात बता दूं, और ये सजेशन मैं आपको भी देता हूं कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सैंपल भी दे रहे हैं, तो उसके भी चार्ज करिए। अब $200 आए, अब भाई एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, चाहे $100 का, $200 का, $500 का, $1000 का, चाहे मैं सैंपल ही एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, पेमेंट तो आ रही है, तो उस पर भी मुझे इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव सरकार से लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे EBRC दिखाना पड़ेगा। तो EBRC दिखाइए सरकार को, इंसेंटिव लेके जाइए, और सरकार भी खुश हो जाएगी, भाई आप तो जेन्युइन इंसान हो, आप तो जेन्युइनली आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कागज़ भी पक्के हैं, आपकी गुडविल भी बन जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको EBRC के बारे में समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम भी अगले सुपर पावर जल्दी से जल्दी बन सके। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.
We'll be right back.